राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 21वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित किए गए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सबके नेता आदरणीय पवार साहब, महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सन्माननीय जयंत पाटिल जी, पार्टी के विधानसभा में नेता अजीत पवार साहब, विरोधी पक्ष नेता धनंजय मुंडे जी, मजीद मेमन साहब, मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सन्माननीय सचिन भाऊ अहिर जी, मंच पर उपस्थित सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सन्माननीय नेतागण और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम कार्यकर्ता भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सभी को पार्टी के 20 साल पूरे होने की और 21वें साल में कदम रखने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी ने तय किया, पवार साहब ने जिस उद्देश्य से पार्टी की रचना की थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति नहीं करके सामाजिक जिम्मेदारी लेने का भी काम करेगी, और 20 सालों में पार्टी ने उसी दिशा में काम करने का काम किया है। पार्टी ने तय किया कि इस बार हम जल संकल्प दिन के रूप में महाराष्ट्र भर में पार्टी के रूप का कार्यक्रम तय करेंगे और पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में आज इसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। मुंबई में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पानी बड़ी समस्या पूरे दुनिया में देश में बनता जा रहा है। आज पूरे देश में 40% हिस्सा ऐसा है जहां पर जल का संकट है, सूखे की परिस्थिति है, और महाराष्ट्र में भी उसी तरह का माहौल है और पिछले कई दिनों से भयंकर सूखे की मार महाराष्ट्र झेल रहा है। आज का कार्यक्रम मुंबई शहर में हुआ, लोग सोचेंगे कि मुंबई में जल संकल्प दिन का क्या कार्यक्रम हमने तय करना चाहिए। मुंबई में हम पानी पीते हैं, नल से पानी हमारे घरों में गिरता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई के बाहर से हम लोगों को ये पानी मुहैया कराने का काम किया है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें गांव को उजाड़ कर बड़े बड़े बांध बांध कर अगर पानी यहां पर पहुंचाने का काम सरकारी माध्यम से हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये पानी हम लोगों को पूरा पड़ेगा, ये भी सोच हमारे मन में कहीं ना कहीं लाने का काम करना पड़ेगा। और मुंबई के कार्यकर्ताओं को तय करना पड़ेगा कि आज से हम अपने आचरण में अपने जीवन में पानी कैसे बचाएंगे, इसकी शुरुआत अपने घर से करने का काम सभी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। जहां हम रहते हैं वहां पे इसका प्रचार करने का काम करना पड़ेगा। मुंबई शहर में अगर पानी हमको अलग अलग झीलों से मिलता है तो उस पानी का जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे नुकसान होता है उसकी लड़ाई को हमको छेड़ने का काम करना पड़ेगा। मुंबई शहर में हम देखते हैं जहां पानी हमको आता है, मुंबई शहर में महानगर पालिका की बहुत सारी पानी की पाइपलाइन ऐसी है जो लगातार बहती रहती है, हम देख कर भी उसको अनजाना करने का काम करते हैं। हमको तय करना पड़ेगा जहां पानी लीकेज होगा पार्टी का कार्यकर्ता उस लीकेज को रोकने की लड़ाई इस शहर में शुरू करने का काम करेगा, ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ में मुंबई शहर के अंदर जो पानी हम पीते हैं वही पानी कहीं ना कहीं शौच के लिए इस्तेमाल होता है, वही पानी हम कहीं ना कहीं फ्लश के जरिए फेंकने का काम करते हैं। महानगर पालिका ने नियमों भी बनाए कि कहीं ना कहीं बारिश का पानी रेन हार्वेस्टिंग करके उसका इस्तेमाल शौचालय में हो, लेकिन बड़े पैमाने पे ये नहीं हुआ। उसको लेकर अपनी सोसाइटी अपने मोहल्ले से हमको शुरुआत करके जो पार्टी ने कार्यक्रम किया है दिया है आने वाले एक साल के भीतर बड़े पैमाने पे उसका अमल करके कहीं ना कहीं मुंबई शहर में एक परिवर्तन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सभी को लेना पड़ेगा और निश्चित रूप से लेंगे, और परिवर्तन मुंबई में हो, पानी की बचत हो, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम। आज 20 साल हमारे पूरे हो गए, बहुत सारे नेताओं ने यहाँ पर अपनी बातों को रखने का काम किया। 20 साल में हमने क्या खोया क्या पाया इसकी कहीं ना कहीं हिसाब किताब कई तीन
हफ्तों से इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, देश भर में हो रहा है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि 20 सालों में 15 साल महाराष्ट्र की सत्ता में रहे, 20 सालों में 10 साल तक हम केंद्र की सत्ता में रहे, पार्टी की स्थापना के बाद लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद महाराष्ट्र की जनता की जो सेवा करनी चाहिए थी पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने करने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे विरोधक थे 15 साल विपक्ष में बैठने के बाद भी निराश नहीं हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों को बदनाम करने की रचना बनाने का काम किया, अलग अलग तरह से महाराष्ट्र भर में पार्टी कैसे बदनाम हो, पार्टी के नेता कैसे बदनाम हो, उसको बड़े पैमाने पर प्रचारित करने का काम किया, और हम लोगों को जो हमने अच्छे काम किए थे वो जनता के बीच ले जाने में कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़े, जिसके कारण 5 साल पहले हम सत्ता से बाहर चले गए। लोकसभा के चुनाव के बाद नतीजे सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लोग जीत गए या देश में मोदी साहब की सरकार आ गई तो क्या विपक्ष में लोगों को मतदान नहीं मिला? मोदी साहब की सरकार आने के बाद आप देखेंगे देश में नतीजे, कहीं 40 वोट से भी उनके खासदार जीत कर आए, कहीं 180 वोट से उनके खासदार जीत कर आए, कहीं 2000 वोट से जीत कर आए, कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग जनता को समझाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। देश पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, महाराष्ट्र में लगभग 55-60% मतदान हुआ, 40% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी या हम लोगों को वोट डालने का काम नहीं किया। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए हमने 5 साल तक लड़ाई लड़ने का काम किया। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर था, निश्चित रूप से पुलवामा की घटना के बाद बालाकोट को लेकर जिस तरह से लोगों के मन में अलग तरह का प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, कहीं ना कहीं उसका लास्ट इस सरकार को मिला है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने का काम करना पड़ेगा। आपको निराश या हताश होने की जरूरत नहीं। आदरणीय पवार साहब के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि 1999 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सातों साथ हो रहे, मैं जिस मतदार संघ नेहरू नगर से चुनाव लड़ रहा था, लोकसभा में मनोहर जोशी साहब लोकसभा के शिवसेना के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के उम्मीदवार थे, और शिवसेना के सालवी नाम का एक विधानसभा का उम्मीदवार था, और एक ही दिन मतदाता जा रहा था, 35,000 वोट शिवसेना के आमदार को मिल रहा है और 51,000 वोट शिवसेना के खासदार को मिल रहा है। हम लोगों के उम्मीदवार को 30,000 वोट मिल रहा है और नवाब मलिक को 52,000 वोट मिल रहा है, मतलब 17,000 वोट एक ही समय में मतदान करते समय अलग अलग विचार के साथ लोगों ने मतदान करने का काम किया। लोकसभा के चुनाव की गणित अलग हो सकती है, हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ताकत से लोगों के बीच में हमको जाने का काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जिस तरह से फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है, हमारी पार्टी के नाम में ही राष्ट्रवाद, हमें जिस राष्ट्रवाद की लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं कि देश का जो संविधान है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है, इस विचारधारा को पूरी ताकत से जनता के बीच में हमको ले जाने का काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम करती है, कहीं ना कहीं लोगों को जाति के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम करती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी विचारधारा को पूरी ताकत से जनता के बीच में लेकर जाएंगे। हम जिस तरह से विचारधारा के साथ राजनीति करना चाहते हैं, हम देश में धर्म जाति प्राण भाषा से उठकर लोगों को एक संग रखकर एक मजबूत भारत को बनाने का जो संकल्प है, उसी विचारधारा को लेकर हमको लोगों के बीच में जाने का काम करना पड़ेगा। कोई धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करता है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मुसलमानों की वजह से इस देश को कोई ना कोई खतरा पैदा हो गया, हमको जाके बताना पड़ेगा अगर एक गाँव में 10 मुसलमानों के घर है तो 10 लोगों से 1,000 की घर के लोगों को खतरा नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं लोगों को जाकर समझाने का काम करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं समाज के अलग अलग वर्ग जो है, जो कमजोर तबका है, उसको कहीं ना कहीं ताकत देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से कटिबद्ध रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता पवार साहब ने हमेशा इस विचार को सामने रखने का काम किया है कि समाज के छोटे छोटे वर्गों को साथ में जोड़कर उन्हें कहीं ना कहीं ताकत देने की जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं एक समाज में साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर एक समता मूलक समाज, जहाँ पर आर्थिक विषमता ना हो, जहाँ पर सामाजिक विषमता ना हो, इस तरह की विचारधारा को लेकर हमको हर लोगों के बीच में जाने का काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरह से, भारतीय जनता पार्टी किन विचारों को लेकर राजनीति करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक आरएसएस के थे हेड़केवार उनकी क्या विचारधारा थी, गोलवलकर किस विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो जिसका मूल संगठन है संघ परिवार के लोग, वो कौन सी विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं,
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस देश के अंदर लोग सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर की विचारधारा से राजनीति करना चाहते हैं तो हम साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा से इस लड़ाई को हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वैचारिक रूप से पूरी तरह से पार्टी को ताकतवान बनना पड़ेगा। साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर सावरकर हेडगेवार गोलवलकर की विचारधारा को हराने की ताकत के साथ हम आने वाले दिनों में पूरी ताकत के साथ राजनीति करेंगे। जिस तरह से पवार साहब ने हम लोगों को उपदेश दिया है कि चुनाव आएगा तो राजनीति करेंगे, चुनाव नहीं रहेगा तो सामाजिक काम करके लोगों के सुख दुख के साथी बनेंगे, इस उद्देश्य के साथ आने वाले दिनों में हम सभी लोग काम करें। इस शुभेच्छा देकर अपनी बात सत्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।